चेतन और शाइशा ने यार्ड एरिया में खुलेआम की स्मोकिंग, जेल में बगावत पर उतरे कैदी। रियलिटी शो में कैदियों की बगावत का नजारा देखने को मिल रहा है। जेल के किसी भी हिस्से में स्मोकिंग करना नियम का उल्लंघन माना जाता है, लेकिन चेतन और शाइशा यार्ड एरिया में धड़ल्ले से स्मोक करते हुए नजर आ रहे हैं। और इतना ही नहीं, दोनों ने ऐलान भी किया है कि वो जेल के किसी भी नियम का पालन नहीं करने वाले हैं। दरअसल उन्होंने अपने बगावत पर उतरने का कारण भी बताया। चेतन और शाइशा का ये मानना है कि जेल में खाने पीने की चीज़ों पर पाबंदी लगाई गई है, इसके अलावा खाने पीने की चीज़ें खत्म भी हुई हैं और इसी वजह से कैदी बीमार पड़ रहे हैं। अंजलि की तबीयत खराब है, वहीं पूनम भी अच्छा महसूस नहीं कर रही है। तो इनका ये कहना है कि क्या कैदियों को मरने का इंतज़ार करने दिया जाए। शाइशा ने ये कहा कि खाने पीने की चीज़ों की कभी कमी नहीं होगी, ऐसा शो में आने से पहले उन्हें बताया गया था, लेकिन यहाँ आने के बाद उन्हें चाय तक के लिए तरसना पड़ा है। वहीं जेल में मौजूद बाकी कैदी भी इन दोनों का समर्थन करते नजर आए हैं, जबकि कुछ कैदियों का मानना है कि घर में मौजूद खाने पीने का भरपूर सामान है और जिन चीज़ों पर पाबंदी लगी है वो हमने टास्क के दौरान हारी है या फिर उसे गंवाया है, उसका गुस्सा हमें जेलर पर नहीं निकालना चाहिए। वहीं जो चीज़ें कम पड़ी हैं वो दो कैदियों के बढ़ने की वजह से कम पड़ रही हैं, वरना जितना सामान जेलर ने मुहैया कराया था वो एक हफ्ते के लिए भरपूर था। इसका ध्यान जेलर को रखना चाहिए था कि इस हफ्ते वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है तो उन्हें खाने पीने का सामान और भी भेजना चाहिए था। मतलब सभी कैदियों की राय भी एक जैसी नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि कंगना की जेल में इस समय बगावत का माहौल देखने को मिल रहा है। चेतन और शाइशा न सिर्फ नियम का उल्लंघन कर रहे हैं बल्कि धड़ल्ले से अपनी मनमानी करते हुए नजर आ रहे हैं। टीवी और एंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के जरिए हम तक ज़रूर पहुंचाएं।